गुड मॉर्निंग दोस्तों, राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सत्ता एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज इस वीडियो में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं तो वो सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये हर एक स्टूडेंट के लिए मायने रखता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को एंड तक आप ज़रूर से देखिए, शायद कुछ चीज़ें आपके काम भी आ सकती है। और कुछ डिटेलिंग में हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे आपको आने वाली जो आपकी परीक्षा है, जो एग्ज़ाम्स है, उसके लिए प्रिपेयर होना है। हम लोग जानते हैं कि अपने इंडिया की एजुकेशन सिस्टम सेंट्रलाइज सिर्फ एक ही चीज़ है, जो है नीट का एग्ज़ाम बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए JEE का एग्ज़ाम। अदरवाइज स्टेट वाइज हर एक स्टेट का खुद का एक पहलू है, हर एक स्टेट का खुद का एक एग्ज़ाम मॉड्यूल है। कुछ स्टेट के अंदर फरवरी में एग्ज़ाम होती है, कुछ स्टेट के अंदर मार्च के अंदर हो रही है, कुछ स्टेट के अंदर मार्च के फर्स्ट वीक में हो रही है, तो कुछ में मार्च के एंड में हो रही है, जिसकी ज़्यादातर इफ़ेक्ट आपके आने वाले नीट के इम्तहान पर भी हो सकती है। तो प्रिपरेशन बकायदा आपको कैसे करना है, वो मेन चीज़ आपके लिए मायने रखती है। रीज़न क्या है, बायोलॉजी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग के तो चलो ठीक है, कोई इश्यू नहीं रहता उतना ज़्यादा, लेकिन आपको इंजीनियरिंग में भी अच्छी कॉलेज चाहिए तो JEE के लिए कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता है। IIT के अंदर आपको जाना है तो डेफिनेटली आपको स्कोर करना पड़ेगा अच्छा से। बायोलॉजी की हम लोग बात करेंगे तो बायोलॉजी में बच्चे ज़्यादातर जो फोकस हो जाता है उनका वो नीट के ऊपर हो जाता है। लास्ट ईयर हमने काफ़ी सारे वैसे बच्चों को देखा जो नीट के अंदर तो 300 से ऊपर और 200 से ऊपर मार्क्स लेके आ गए, मीन्स क्वालिफाइड थे, लेकिन उनका स्टेट बोर्ड का रिजल्ट जो था 50% नहीं हो रहा था। तो इससे क्या होगा, इससे होगा प्रॉब्लम तो है ही। अभी एज पर एज MCA गाइडलाइन आपका 12th के अंदर भी 50% होना ज़रूरी है फॉर द जनरल कैटेगरी एंड फॉर द ST ST OBC कैटेगरी, उनके लिए 45 ज़रूरी है। आपका नीट में कितना भी अच्छा स्कोर होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आपका स्कोर बिगड़ रहा है तो आपको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलेगा। बकायदा इंडिया में तो नहीं मिलेगा, एज वेल एज अब्रॉड में भी वो लोग एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि अब्रॉड में भी रूल्स है एज पर एज MCA गाइडलाइन। तो सी अब्रॉड में कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट है वो आपको एडमिशन प्रोवाइड भी कर देंगे, 40% पे भी दे देंगे, लेकिन अब्रॉड में MBBS करके इंडिया आने के बाद आपके लिए वो डिग्री वैलिड नहीं गिनी जाएगी। मीन्स 5 से 6 साल बिगाड़ने के बाद आपको पता चल रहा है, उससे बेटर है पहले से आप जागरूक हो जाए। तो अभी जो फिलहाल आपको ध्यान रखना है, फरवरी चल रहा है, कुछ स्टेट के अंदर एग्ज़ाम शुरू हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार में 3 फरवरी से शायद एग्ज़ाम थी, 3rd या 13 फरवरी से। तो फरवरी से जिनकी एग्ज़ाम शुरू हो चुकी है उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, उनका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो लोग नीट के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कर पाएंगे। लेकिन अदर स्टेट के जो बच्चे मार्च के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये चीज़ मेनली जो स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम होता है वो आपके सिलेबस के अंदर, बुक्स के अंदर से ही आता है, वहाँ पे कुछ बाहर का क्वेश्चन, नीट के अंदर दिक्कत रहता है कि कुछ आप पढ़े भी नहीं है वैसे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वेल प्रिपेयर रहिए, जो काम के टॉपिक से उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कीजिए, लास्ट 3 साल के पेपर का रिसर्च कीजिए, कौन से चैप्टर का ज़्यादा वेटेज रहता है, कौन से चैप्टर का कम वेटेज रहता है, उसको ध्यान में रख के प्रिपरेशन कीजिए, जिससे कि आप एटलीस्ट स्टेट बोर्ड के अंदर 50% मार्क्स अचीव कर पाए। क्योंकि 50% मार्क्स आपको सिर्फ MBBS के लिए नहीं, अदर कोर्सेज लाइक होम्योपैथिक, डेंटल, आयुर्वेदा सबके लिए काम लगेंगे। दूसरी एक बात, अगर आप मेडिकल के बारे में नहीं सोच रहे, आप अब्रॉड के बारे में सोच रहे हैं लेकिन दूसरे कोर्सेज इन कंट्री लाइक कैनेडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और UK, वहाँ पे भी आपका 12th का मार्क्स अगर 60% से कम होगा तो वो लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायरमेंट है। सो हमको अपर लेवल टारगेट को सेट करके लोअर मार्जिन आता है तो उसमें टेंशन नहीं रखना, लेकिन मार्जिन आपका ऑलवेज अपर लेवल का होना चाहिए, 80% या 85% का, तो एंड द डे आपका 65 या 70% तक का रिजल्ट बन पाए। तो स्टेट बोर्ड को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है अगर आप कैरियर के बारे में सीरियस है, अदरवाइज ये आपका लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। नो डाउट इसके बाद भी ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन ये लेवल पे अगर आप जो लाइन चूज़ कर रहे हो उसका इफ़ेक्ट आपकी पूरी लाइफ पे होने वाला है। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है लेकिन उसने BSc कर लिया, तो मेडिकल और BSc में बहुत डिफरेंस होता है।
सो आपका एक ड्रीम है, वो ड्रीम यहाँ से आपका टूटने जा रहा है अगर आप प्रॉपरली प्रिपरेशन नहीं करते हो। और दूसरा, एक काफ़ी सारे हम लोग न्यूज़ सुनते हैं कि ये बच्चे ने ये रिजल्ट आने के बाद सुसाइड कर लिया या ये रॉन्ग स्टेप लिया, गलत चीज़ें बेचो। लाइफ कोई एक जगह पे ख़त्म नहीं होती है। और एक चीज़ ध्यान में रख के चलिए, यहाँ पे जितने भी बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है नीट का, वो हर एक का ड्रीम है कि उनको डॉक्टर बनना है। लेकिन आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, इंडिया के अंदर 18 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आउट ऑफ 18 लाख जो क्वालिफाइड हर साल होते हैं नीट के अंदर, वो क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए जो रेशियो गिनते हैं हम लोग, दो साल का अगर कंपेयर करते हैं तो करीबन 50% और 55% रिजल्ट आ रहा है नीट का। इस साल भी अगर हम लोग 50% काउंट करते हैं तो 9 लाख बच्चे क्वालिफाइड होंगे। अभी 9 लाख बच्चे क्वालिफाइड होने के बाद यहाँ पे MBBS की सीट है कितनी? अगर गवर्नमेंट सीट्स की हम लोग बात करें तो वो है सिर्फ 40,000 सीट्स, और बाकी की जो 40,000 है वो गवर्नमेंट के इस साल के रूल्स के हिसाब से, जो नया रूल अभी इस साल लागू होने जा रहा है NMC बिल के हिसाब से, प्राइवेट इंस्टीट्यूट की 50% सीट्स गवर्नमेंट फिलअप करेंगी फ्रॉम द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फीस। मीन्स वहाँ पे फीस जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट की होगी वो मे बी शायद 50% लेस हो जाए या क्या हो, अभी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन आपके लिए जो काम की सीट है वो तो 60,000 सीट ही है, 20,000 सीट है वो पैसे वालों के लिए है। अगर आपके पास पैसा है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन 60,000 सीट के अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं MBBS की और सामने 9 लाख स्टूडेंट है, तो रेशियो आप काउंट कर सकते हैं कितना हो जाएगा। सो 15 से 20 बच्चों के बीच में एक सीट मिल पा रही है हमको, जहां पे भी गवर्नमेंट की तो 40,000 सीट है। मीन्स 25 बच्चों के बीच में एक सीट गिन के चल सकते हैं हम लोग, 20 से 25 बच्चों के बीच में। तो मेन चीज़ यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी आपको, सी प्राइवेट में आप जाएंगे, प्राइवेट में फीस गवर्नमेंट लेस कर देगी, लेकिन अकोमोडेशन वो तो फ्री नहीं होने वाला है। प्राइवेट का अकोमोडेशन होता है बकायदा 1.5 से 2 लाख रुपया मिनिमम हम लोग गिन के चल सकते हैं। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट का खर्च भी उतना ज़्यादा रहेगा आपके लिए भी पढ़ाई का। तो सो ये दिक्कत यहाँ पे आपको आने के चांसेस पूरे हैं। जो बच्चे नीट नॉन क्वालिफाइड हो रहे हैं, मीन्स क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज है, एज वेल एज इन इंडिया ऑल्सो। इंडिया के अंदर भी आप कोर्स सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर आप न्यूज़ देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑप्शन है वेटरनरी का अब्रॉड के अंदर, वहाँ पर नीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वेटरनरी कर सकते हैं, वेटरनरी फुल डिमांडेड है। रीज़न, इंडिया के अंदर नॉनवेज हाफ पोर्शन ऑफ इंडिया खा रहा है, लेकिन यहाँ पे उतना हाइजेनिक नहीं मिलता। अब्रॉड कंट्री के अंदर अगर आपको नॉनवेज खाना है तो पर्टिकुलर शॉप से आपको परचेस करना है, और शॉप में जो कहाँ से कटिंग होकर आता है वहाँ पे बकायदा डॉक्टर बैठा होता है, डॉक्टर वहाँ पे उनको चेक करता है, उसके बाद ही वो जो जानवर होता है उसका कटिंग हो पाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, एक वेटरनरी ऑप्शन है। दूसरा, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे हम लोग, या US की या कनाडा की बात करेंगे, तो वहाँ पे डेंटल टेक्नीशियंस है, या रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस है, या मेडिकल टेक्नीशियंस, बहुत सारे हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, चाइल्ड केयर मैनेजमेंट है, काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे आपका मोर देन 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो अगर आप 50% को टारगेट रख के चलेंगे कि मेरे को सिर्फ 12th में क्वालिफाइड होना है, तो आपका आगे का फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 12th में 50% अचीव किया, नीट क्वालिफाइड ही नहीं कर पाए, तो आपके लिए इंडिया के अंदर BSc के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रह गया, तो फिर आप ड्रॉप लेके दूसरा साल रिपीट करेंगे। हर साल 1 से 1.5 लाख बच्चा रिपीट में बैठता है यहाँ पे, 2 साल बैठता है, 3 साल बैठता है, 3 साल के बाद फिर वो अब्रॉड चला जाता है या दूसरा कोई ऑप्शन चूज कर लेता है, लेकिन उसने 3 साल तो वेस्ट कर लिया। सो स्टेट बोर्ड को काफ़ी सीरियस लेने की ज़रूरत है, मैं घबराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके फ्यूचर करियर के अंदर जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आती है वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आने के चांसेस पूरे हैं। दूसरी बात आती है नीट की, नीट का आपके पास सफिशियंट टाइम मिलेगा आपको, आप अभी तक प्रिपरेशन किया था, अभी उसको थोड़ा सा साइड पे रखिए, कंप्लीट साइड पे रखने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन अभी स्टेट बोर्ड पे फोकस कीजिए। नीट को आप मार्च के बाद भी प्रिपेयर करेंगे, अप्रैल मंथ पूरा आपको मिल रहा है, मार्च आधा महीना मिल रहा है, मई महीने के 3rd पे आपका एग्ज़ाम। दूसरा चीज़, जो बच्चों को दिन में सोने की आदत है वो अपनी आदतें चेंज करें, क्योंकि नीट का इस बार का टाइम शेड्यूल चेंज है,
जो आपके एग्ज़ाम टाइम को इफ़ेक्ट करेगा। गर्मी भी ज़्यादा होगी, आपको दिन के टाइम पे नींद अगर आ रही है आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, आलस रहेगी शरीर के अंदर, तो उससे बेटर है जो रात को जागने वाली आदतें थोड़ी कम कीजिए, दिन में सोने की आदत बदल दीजिए, वो एग्ज़ाम पे इफ़ेक्ट करेगी। नीट के अंदर आपके पास 1.5 महीना है, आपके 3 सब्जेक्ट आपको मेन फोकस करना है, 3 सब्जेक्ट को डिवाइड कर दीजिए 45 डेज़ के अंदर। 45 डेज़ में डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली, और जितने होते उतने क्वेश्चन पेपर का, हर रोज़ का एक मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, नीट पे आपको कोई ऐसा नहीं प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आज आपने एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। यही चीज़ आप स्टेट बोर्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए जिसमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको दूसरे दिन रिविजन में ले लीजिए, उसको अगेन फिर एक वीक के बाद हर एक पेपर का जो जो क्वेश्चन नहीं आया उसको फिर से सॉल्व कीजिए, वैसे कर करके आपका क्लियर हो जाएगा और मार्क्स भी आपका ऊपर आएगा। किताब के बाहर का ज्ञान कोई आपको पूछने वाला नहीं है। बच्चा बोलता है कि पेपर हार्ड निकला है, इजी निकला, सी 18 लाख बच्चे जो बैठ रहे हैं वो एक ही एज के बच्चे हैं, सिर्फ जब प्रिपरेशन मेंटालिटी है वो हर एक की डिफरेंट है, हर एक का कॉन्सेंट्रेशन लेवल डिफरेंट है, उसकी वजह से रिजल्ट में वेरिएशन होता है। और एग्ज़ाम में स्कोर किया तो आप स्कॉलर है और नहीं किया तो आप डफर है, वो चीज़ भूल जाइए, आप कभी भी लाइफ में डफर नहीं हो। ऊपर वाले ने आपके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ दिया हुआ है, उसको आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। खुद को आइडेंटिफाई कीजिए कि आप मेडिकल के लिए परफेक्ट है या दूसरी कोई फील्ड के लिए परफेक्ट है, अदरवाइज आपने वो आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप आगे जाके पछताने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने BSc BEd कर लिया, टीचर बनना चाहता ही नहीं है वो, उसको कोई रिसर्च कंपनी के अंदर जॉब करना है, वो टीचर बन के क्या कर लेगा? सो ये चीज़ों को ध्यान में रख के चलिए। दूसरी एक चीज़ गलती हो जाती है बच्चों से, नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है वो एंजॉयमेंट में लग जाते हैं, यहाँ पे आपकी रियल प्रिपरेशन शुरू होनी चाहिए। आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे हो कि अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे हो, इंग्लिश इज मस्ट। इंग्लिश अपना नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन विदाउट इंग्लिश आप कहीं पे भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे लाइफ में। अभी हम लोग बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, पूरा विश्व एक कुटुंब है, तो अगर उस तरीके से आपको जीना है, उस तरीके से लाइफ आपको बनानी है इन फ्यूचर कि पूरा दुनिया आपको पहचाने, तो आपको इंग्लिश के अंदर नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी देश की भाषा को रिस्पेक्ट मत दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, लेकिन पढ़ाई करने के लिए जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो आपके नेटिव टीचर्स नहीं रहेंगे, उस टाइम पर आपको दिक्कत आएगी। इवन यहाँ पर इंडिया में अगर मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहे हो तो इंग्लिश आपका कंप्लीट नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाओगे। इवन BSc और अदर कोर्सेज भी इंग्लिश में आते हैं, तो इंग्लिश जितना इम्प्रूव रहेगा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उतना ऊपर रहेगा, और उसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। सो एग्ज़ाम ख़त्म होते ही आईलेट्स के या इंग्लिश स्पीकिंग के का क्लासेस ज्वाइन करने हैं, जो 1 महीने का 2 महीने का टाइम आपको मिल रहा है उसको यूटिलाइज़ कीजिए, और वो यूटिलाइजेशन के दरमियान दूसरे जो अब्रॉड ऑप्शन है या इंडिया के अंदर कोर्सेज ऑप्शन है उसको सर्च कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए खुद को, और उस तरीके से आपका आगे का करियर चूज कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको लाइक करना है लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और इसको शेयर भी कर सकते हैं। अब्रॉड के अंदर कौन से कोर्स आपके लिए बेटर रहेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर रहेगी, कौन से कोर्सेज MBBS अच्छा है कि अदर कोर्सेज अच्छे हैं, वो सब जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमारे नए वीडियो के अंदर भी आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और इन्फॉर्मेशन जितनी मिलती है उतनी लीजिए। धन्यवाद।